नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी। जनपद मैनपुरी में एक राशन डीलर को उपभोक्ता के फोन पर राशन वितरण की पूछताछ करने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभद्र गालियां का प्रयोग करते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। इस ऑडियो के माध्यम से बीजेपी नेताओं ने राशन डीलर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है और वही अभद्र गालियों को देकर गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने इस संबंध में घटना की रिपोर्ट दर्ज तो कर ली है, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देने वाले को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मैनपुरी के तहसील कुरावली क्षेत्र के ग्राम सुनामई का है। इस ग्राम पंचायत में राशन डीलर हरिश्चंद दिवाकर कई वर्षों से गांव में ही राशन वितरण का कार्य कर रहा है। बीते 29 मई को गांव के ही एक उपभोक्ता सत्येंद्र कुमार त्यागी ने राशन डीलर को राशन वितरण करने की जानकारी दी चाहिए कि आप इस महीने में कब राशन का वितरण करोगे। तभी डीलर ने संतोषजनक जवाब न देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली देने का ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैला हुआ है। ऑडियो को लेकर राशन डीलर के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सुनीत चौहान निवासी नगला जेनखा वही मंडल प्रभारी बिछवा के कौशलेंद्र सिंह कुशवा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को गाली गलौज करने वाले डीलर के खिलाफ पुलिस में तहरीर देकर शिकायत की है और उसे गिरफ्तारी की मांग की है। तो वही पुलिस ने राशन डीलर हरिश्चंद दिवाकर के खिलाफ धारा 504 में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। दो दिन बीत जाने के बाद कोई कार्यवाही अमल में न आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया। कौशलेंद्र सिंह कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष बिछमा, भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आप यहाँ पे थाने में काफी समर्थकों के साथ घेराव किए हैं, क्या पूरा मामला है और किस तरह का प्रयोग किया गया है? मामला ये है, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी दी गई, ऑडियो दिया गया कि ऐसे ऐसे एक कोटा डीलर हैं हरिश्चंद नाम के, ग्राम सुन्नामई, और वो बहुत ही अभद्र भाषा का आए दिन प्रयोग करते हैं और उनकी ऑडियो भी है, उन्होंने ऑडियो भेजी, ऑडियो सुनी, उसमें बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग माननीय योगी जी मोदी जी के लिए जी किया गया है और भी हमारे जिले के पदाधिकारियों के लिए भी गाली गलौज किया गया है उनके द्वारा। वो समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे, हमें लोगों को गाली करनी थी। अब चुनाव हो गया, सब काम हो गए, उसके बाद भी हमारे नेताओं को, मुख्यमंत्री जी को गाली गलौज करना उचित नहीं है, इसलिए कार्यकर्ताओं में बहुत ही गुस्सा है और कार्यकर्ता बहुत ही गुस्से में एकत्रित हुए, उन्होंने हमें जानकारी दी, हम भी आए थाने पर और उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उचित। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, क्या पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया? पुलिस केवल थाना बिछमा एक साल से पूरी तरह से, हमारे पास कई प्रूफ हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो पैसे देता है उसी का काम होता है, जो आरोपी होता है उसकी वकालत खुद थाना प्रभारी जी करते हैं, थाना प्रभारी जी द्वारा आरोपी को हमेशा बचाया जाता है और कोई भी आए यहाँ पर कार्यकर्ता आए उसका ना तो कभी सम्मान करना, ना कभी किसी से बात करना और सिवाय उसकी बेइज्जती करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। विपक्ष के लिए काम करते हैं, विपक्ष के ही साथ बैठते हैं, विपक्ष के लोग आकर अंदर बैठ के चाय पीते हैं, उनके साथ दलाली करते हैं और बहुत ही चरम सीमा पर दलाली बिछमा की है। यहाँ पर आरोपी कभी कोई भी, एक नंगला हिम्मत में प्रकट हुआ था चुनाव के टाइम पर, उसकी तहरीर आई थी, जानकारी एसओ साहब को दी गई थी, लेकिन उस कार्यकर्ता के यहाँ अभी तक कोई पुलिस नहीं पहुंची। ऐसे ही मामला यहाँ का था, धौकलपुर का था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मरहरी का एक मामला था, उस पर भी कोई कार्यकर्ता कोई तहरीर दे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, वो झूठा है, और कार्यकर्ता के खिलाफ कोई तहरीर दे दे वो तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता है। एसओ साहब का इतना अच्छा यहाँ वो चल रहा है। अच्छा, तो ऑडियो जो वायरल हो रहा है उस पर कोई एक्शन ज्यादा नहीं लिया गया? कोई एक्शन नहीं लिया, केवल 504 में मुकदमा दर्ज कर लिया, एनसीआर दर्ज कर ली, ना उनको फोन तक आरोपी को नहीं किया गया, आरोपी खुला घूम रहा है। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी को गाली देना, यहाँ पर 504 में एनसीआर दर्ज कर लेना, उसके यहाँ दबिश भी नहीं दी गई, हम सभी लोगों की यही मांग है, मामला है तत्काल कोटा निरस्त हो और आरोपी गिरफ्तार हो। हमारा गांव निकला जन का मौजा सुनना में, हमारे यहाँ के कोटा डीलर द्वारा लगभग 3-4 साल से कोटा को लेकर वितरण में कम गल्ला देना जी, आए दिन परेशान करना, उल्टी सीधी कहना। 31 तारीख को जब उनको फोन किया गया कोटा वितरण के बारे में, तब उन्होंने कहा था योगी जी और मोदी जी तुम्हारे बाप है, उनसे राशन लो जाकर, और भी गालियों का भाषा का प्रयोग किया, वो मैं कहना नहीं चाहता जी। अच्छा, उसके बाद जनता के लिए कहा गया तो जनता के लिए अभद्र भाषा प्रयोग किया जो समाज में कहने लायक थी जी। तो क्या इस पर जो ना आपने यहाँ थाने में आके क्या कोई अंकल तहरी दी थी, लेकिन उस पर कोई भी संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति रहता है, चाहे किसी पार्टी का मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री जी, उसके खिलाफ इतनी छोटी सी धाराओं में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया।
तो मतलब सुनिश्चित कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, सुनिश्चित कार्रवाई। क्या चाहते हैं? सख्त कार्रवाई।